महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज में 2 दिवसीय वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने मशाल जलाकर की। इसके बाद प्रतिभागियों ने मार्च पास्ट किया। इस दौरान सभी ने मुख्य अतिथि को सलामी दी। कॉलेज के चेयरमैन राजेश अग्रवाल ने गुरुचरण सिंह होरा की उपलब्धियां गिनाते हुए ब्रिक्स टूर्नामेंट में भारतीय टीम के मैनेजर बनकर 5 खेलों में मेडल दिलवाने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। इस मौके पर स्मृति चिन्ह देकर मुख्य अतिथि श्री होरा को सम्मानित भी किया गया। छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा के मुख्य आतिथ्य में 2 दिवसीय वार्षिक आउट और इंडोर स्पोर्ट स्पर्धा का शुभारंभ हुआ। स्पर्धा का शुभारंभ महासचिव होरा ने मशाल जलाकर की। इसके बाद मार्च पास्ट के दौरान गुरुचरण सिंह होरा को सलामी दी गई। इसके बाद महासचिव के खेलों और न्यूज से जुड़ी उपलब्धियों से सबको अवगत कराया गया। इसके साथ ही उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर महासचिव होरा ने अपने संबोधन के दौरान प्रकाश पर्व की बधाई देते और राजेश अग्रवाल के कार्यों की सराहना करते हुए साउथ अफ्रीका के डरबन में हुए ब्रिक्स टूर्नामेंट में किस तरह भारतीय खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया इसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उनको छत्तीसगढ़ की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। एक खिलाड़ी केवल एक ही नंबर से गोल्ड मेडल से चूक गई। देखिए, एनुअल स्पोर्ट्स मीट है। मैं कॉलेज के चेयरमैन राजेश अग्रवाल जी और उनकी टीम को मैं पूरी बधाई देता हूँ कि एक अच्छा इवेंट आज जो प्रारंभ हो रहा है वो देखने को मिला। और वैसे भी मैक कॉलेज का एक इतिहास रहा है, कोई भी काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा हाइट पे जाता है प्रोग्राम कोई सा भी, तो ये इनकी उपलब्धि है। आज बहुत अच्छा मार्च पास्ट हुआ। फिजिकल फिटनेस का जो कॉम्बिनेशन देखा मैंने, इतनी धूप में खड़े होके बच्चे, एक भी बच्चा इंजोर नहीं हुआ और पूरे सबने बहुत दम लगा के काम किया। ये उपलब्धि दिखाता है कि मैक कॉलेज सिर्फ पढ़ाई का ही नहीं, स्पोर्ट्स का भी एक बहुत बड़ा हब है। और स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को जिंदा रखने के लिए और उसको प्रेरित करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं पूरी टीम को, राजेश अग्रवाल। मैक कॉलेज के संचालक राजेश अग्रवाल ने महासचिव गुरुचरण सिंह होरा की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि ब्रिक्स टूर्नामेंट में भारतीय टीम के मैनेजर बनकर 5 खेलों में मेडल दिलवाया है। इसके साथ ही विश्व स्तरीय टेनिस स्टेडियम बनवाने में अहम भूमिका निभाई है। वे इस मौके पर उनका अभिनंदन करते हैं। महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज में हर साल हम 2 दिवसीय स्पोर्ट्स का आयोजन करते हैं। हमारा ये मानना है कि एकेडमिक के साथ में नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ के माध्यम से बच्चे अपनी प्रतिभाओं को बाहर निकालते हैं, अपनी पर्सनालिटी को विकसित करते हैं। उतना ही जरूरी हमारे को शारीरिक रूप से सक्षम होने की आवश्यकता है। आजकल धीरे धीरे बच्चों में, यूथ में स्पोर्ट्स कम होते जा रहा है, उसको बढ़ावा देने के लिए हम बच्चों में साल भर अलग अलग एक्टिविटी करते हैं और ये 2 दिवसीय आयोजन के माध्यम से एक उत्सव जैसा माहौल बनाते हैं। आज एक उत्सव के माहौल में ओपनिंग सेरेमनी हम ग्रैंड लेवल पे, बहुत ज़्यादा नेशनल लेवल पे जैसे स्पोर्ट्स का ओपनिंग होता है वैसा और किए करने की कोशिश किए। और इसमें एज अ चीफ गेस्ट हमने, जो आप लोग सब जानते हैं कि इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हुए डरबन पे जो इंडिया का झंडा लहरा करके आए हैं, ऐसे चीफ गेस्ट गुरुचरण सिंह होरा और हमारे स्पेशल गेस्ट के रूप में कर्नल रवि छाजेड़ जी को आमंत्रित किया। उन्होंने भरपूर तारीफ की मैक कॉलेज में स्पोर्ट्स को लेकर के कि यहाँ पर एक अच्छा वातावरण तैयार हो रहा है जिससे शारीरिक मानसिक क्षमता में भी वृद्धि हो पाएगी।